समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के हरदोई में महिला ने जब उधार में रुपए देने से मना कर दिया तो उसका मर्डर कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 25 दिन पूर्व ग्राम मलकापुर में एक वृद्धा के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए सोहेल उर्फ सईल के अनुसार कोई काम धंधा ना होने की वजह से उसने राबिया से 10,000 रुपए 4-5 दिन के लिए उधार मांगे थे, किंतु राबिया ने उसे उल्टा सीधा कहते हुए मना कर दिया। चूंकि राबिया गांव में लोगों को पैसे उधार देती थी, इसलिए वह राबिया से चिढ़ गया और रात में चोरी करने के इरादे से महिला के घर में घुसा। महिला के जाग जाने पर उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। शाहबाद कोतवाली के ग्राम मलकापुर निवासी 60 वर्षीय राबिया पत्नी जाकिर की 3 दिसंबर को उसके रिहायशी मकान में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या किए जाने का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सबीना द्वारा लिखाए गए इस मुकदमे में मामले में 25 दिन की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह को आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि आरोपित चोरी करने के उद्देश्य से महिला के घर में घुसे। एक आरोपित ने अपने साथी राशिद को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कुंडी खोलकर खुद अंदर चला गया। दोनों ने राबिया का शव बिस्तर पर रजाई से ढक दिया और दुपट्टे को पीछे फेंक कर फरार हो गए। कहते हैं कि 3 दिसंबर को ये ग्राम मलकापुर पड़ता है थाना शाहबाद में, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी उसके घर पे चारपाई पे मिली थी, जिसमें कि फील्ड यूनिट के साथ में सभी ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और उसके तहत जो 3 टीमें गठित की गई थी, हमारे एडिशनल SP और हमारे CO साहिबान और SHO शाहबाद के नेतृत्व में, उसमें जो टीम ने खुलासा किया है उसमें चीज़ें इस प्रकार से निकल के आई हैं कि जो ये महिला थी जिनकी हत्या की गई, जिनका नाम रबिया है, उनको ये सुहेल नाम का जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और राशिद, ये पैसे का लेन देन इनका होता था और इसने उधारी का पैसा देने के लिए महिला ने मना कर दिया था। इनको पता था कि इनके पास कुछ पैसा इनके पास है, तो ये रात में इनके यहाँ चोरी से गए थे और उनको पैसा निकालने का प्रयास किया। जब वो जाग गई तो उन्होंने उनका गला दबा दिया। चूँकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे तो इनको ये डर था कि पहचान उनकी हो गई है। इन्होंने लकड़ी से किसी से उसका गला दबाया, उसके बाद दुपट्टे से दबाया और ये फिर घर गए और फिर ये वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना का बहुत ही कुशलता के साथ इसका अनावरण किया है और जो दोनों अभियुक्त हैं सुहेल और राशिद, ये दोनों आज जेल भेजे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सुहेल है इसका आपराधिक इतिहास भी है, ये पहले भी गोकशी के मामलों में जेल जा चुका है और ये पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी और पुलिस ने अब इसको सक्सेसफुली अरेस्ट करके जेल भेजने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस आगे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट और होंडा एक्ट में भी कार्रवाई करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.